अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्केलिंग के हवाले से एक और स्ट्रेटजी जो पॉपुलरली सोशल एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं वो है अफिलिएशन। अफिलिएशन के काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ब्रांचिंग की तरह हैं, यानी टिपिकली एक होम ऑफिस या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस होता है एंड देर आर आउटलाइंग ऑफिस मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर, मुख्तलिफ सिटीज, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के अंदर नेशनली या ग्लोबली अफिलिएटेड ऑफिसेज होते हैं। होम ऑफिस और अफिलिएटेड ऑफिसेज जो हैं उनके दरमियान एक आप कह सकते हैं ब्रांचिंग की निस्बत एक रिलैक्स्ड और लेस कंट्रोल्ड रिलेशनशिप होता है। दोनों का मिशन एक है, वो ब्रांड शेयर करते हैं, वो जो सिग्नेचर प्रोडक्ट या सर्विस है जो होम ऑर्गेनाइजेशन या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन देती है, अफिलिएट्स भी वही सर्विस या वही प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। लेकिन अफिलिएट्स जो हैं वो यूजुअली लोकली मैनेज किए जाते हैं, अनलाइक ब्रांचिंग, लोकली स्टाफ्ड होते हैं और अमूमन वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं फाइनेंशियली, के लोकली वो अपने आप को मैनेज करके अपने फाइनेंसेस जो हैं वो खुद मेंटेन करते हैं और सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस अचीव करते हैं। ये जो सेल्फ सफिशिएंसी है उनकी, वो एक तरह से उनको रिलैक्स कर देती है पेरेंट या होम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, कि वो उस तरह से उसको जिम्मेदारी नहीं रहती ब्रांचिंग की तरह कि वो उसमें रिसोर्सेज जो हैं, खासतौर पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं, उनकी मुस्तकिल एक इनपुट चाहिए हो। क्योंकि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या होम ऑफिस है, उसको कोई नया ऑफिस, कोई नई लोकेशन, कोई नया इक्विपमेंट या स्टाफ, इस तरह की चीजें जो हैं वो नहीं ऐड करना पड़ती, तो जो एक्सपेंशन है वो एक तरह से लेस एक्सपेंसिव हो जाती है। उसका ब्रांड, उसका मिशन आगे बढ़ रहा है, कम्युनिटीज को इम्पेक्ट हो रहा है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन उसका अपना उसमें कोई खर्चा नहीं होता। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये ब्रांचिंग से एक बेहतर ऑप्शन है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सर्विस जो वो सोशल एंटरप्राइज जो है वो ऑफर करता है। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प एग्जाम्पल इसकी देती हूँ अफिलिएशन की। ड्रेस फॉर सक्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉशिंगटन डीसी से शुरू हुई। आइडिया क्या है कि लोगों को जॉब इंटरव्यूज के लिए एक अच्छा ड्रेसअप होने की जरूरत होती है, वो जो कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के ऊपर। तो बहुत सारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या सिंगल मदर्स, स्ट्रगलिंग पेरेंट्स जिन्होंने बड़ी मुश्किल से डिग्री कम्प्लीट की है, वो अपने पहले इंटरव्यू के लिए अच्छा सा ड्रेस कहाँ से लाए। तो ये कुछ लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जो के पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ड्रेस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कह सकते हैं किराए पर देना, लेकिन फ्रीली, के अच्छा आपका जॉब इंटरव्यू है तो ये ड्रेस आपके लिए है। अब अफिलिएशन जो है इसकी, उससे क्या मुराद है? सारी दुनिया में जॉब इंटरव्यू के लिए अच्छी ड्रेसिंग, एक फॉर्मल ड्रेसिंग तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स में वो फॉर्मल ड्रेस मुख्तलिफ है। वो जरूरी नहीं है कि हेड ऑफिस ने वो जो सिग्नेचर एक ड्रेस बनाया है, मे बी टू पीस सूट या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। हर कल्चर में, हर कंट्री में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फॉर्मल ड्रेसिंग या अच्छी ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट्स और उनका स्टाइल मुख्तलिफ है। तो अब वॉशिंगटन डीसी के साथ एशिया पैसिफिक में या नॉर्थ अमेरिका में कहीं और या यूरोप में जो अफिलिएटेड ऑफिसेज हैं वो यही ब्रांड कर रहे हैं कि वो जॉब के लिए ड्रेसिंग फ्राहम करते हैं जॉब इंटरव्यूज के लिए, लेकिन अपनी लोकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, जो लोकली वो डोनेशन के जरिए से या लोकल ब्रांड्स के जरिए से ड्रेस जो उन्हें डोनेट होते हैं वो इकट्ठे करते हैं, और लोकली जिस तरह लोग अच्छा सा ड्रेस पहन होकर इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो लोगों को वो प्रोवाइड करते हैं। सो मिशन एक है कि वो लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स या सिंगल मदर्स या कोई और ख्वातीन, जो खास तौर पर ख्वातीन जो जॉब के लिए इंटरव्यू के टाइम पे अच्छी ड्रेसिंग अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको एक तरह से सेंस ऑफ पावर दी जाए कि नहीं, उसके लिए उन्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, उन्हें ड्रेस मिल जाएगा जिसको पहन के वो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन अपनी लोकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक। वॉशिंगटन को ना तो कंट्रोल करने की जरूरत है, ना उसको क्वालिटी के इश्यूज हैं। हर अफिलिएट ऑफिस जो है वो मिशन और वो ब्रांड तो शेयर करता है कि हम ड्रेसिंग फॉर सक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से, अपनी लोकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक।
तो आप कह सकते हैं कि ये ब्रांचिंग की एक इनएक्सपेंसिव फॉर्म है जिसमें लोकली चीजों को मैनेज किया जाता है और वो कम्युनिटी के साथ जो लोकल सोशल कैपिटल है, वो जो डिस्ट्रस्ट का एक एलिमेंट ब्रांचिंग में आ जाता है, वो यहाँ नहीं होता, क्योंकि लोकल एंटरप्रेन्योर्स, लोकल बिजनेसेस, लोकल ड्रेस मेकर्स या कम्युनिटी मेंबर्स ही डोनेट कर रहे हैं और लोकली ही वो ड्रेसिंग जो है वो कैंडिडेट्स जो पोटेंशियल हैं उनके लिए यूज हो रही है। थैंक यू।